हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज अपन बात करेंगे डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड के जो डीमेरिट्स हैं उनकी। कि डायरेक्ट मेथड इंग्लिश ग्रामर में आता है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इस मेथड के हानियां क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी बात आज अपने इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस डायरेक्ट मेथड की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, या फिर हम कह दें डायरेक्ट मेथड के जो डीमेरिट्स हैं उनकी आज अपने बात करेंगे। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स हम इसको डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं, अर्थात इस मेथड की जो हानियां हैं या लॉसेस जो हैं इस मेथड के, वो क्या हैं उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डायरेक्ट मेथड की बात करें कि इस मेथड का सबसे पहला जो लॉस है या डीमेरिट है वो क्या है, डी डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड जो होता है, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश जो है पढ़ाया जाता है, मदर टंग की कोई हेल्प नहीं ली जाती है। और जो चार राइटिंग के एस्पेक्ट होते हैं, चार राइटिंग के एस्पेक्ट कौन से होते हैं, LSRW, जिसमें L का अर्थ क्या है, लिसनिंग, आर का अर्थ है स्पीकिंग, एस का अर्थ है स्पीकिंग, आर का है रीडिंग और डब्ल्यू का है राइटिंग। तो ये डायरेक्ट मेथड जो है ना, सिर्फ दो एस्पेक्ट की बात करता है, एल और एस की, जिसमें एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ है लिसनिंग, यानी कि ये मेथड लिसनिंग पर जोर देता है। साथ ही साथ ये मेथड जो है वो स्पीकिंग पर भी जोर देता है। लेकिन जो एक लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट होते हैं, उनमें से इन दो एस्पेक्ट की बात जो है ये मेथड नहीं करता। ये दो एस्पेक्ट कौन से हैं, आर का अर्थ होता है रीडिंग और डब्ल्यू का अर्थ होता है राइटिंग। डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, राइटिंग। इन दो एस्पेक्ट की ये मेथड बात नहीं करता है, ना तो रीडिंग की बात करता है और ना राइटिंग की, केवल लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करता है। जबकि इन दो की बात कौन सा मेथड करता है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इन दोनों की बात की जाती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इस डायरेक्ट मेथड में जो है सिर्फ किसकी बात होती है, लिसनिंग की बात होती है और साथ ही साथ बात होती है स्पीकिंग की। इसलिए ये इस मेथड की कमी मानी जाती है कि ये चारों एस्पेक्ट को कवर नहीं करता। हालांकि चारों एस्पेक्ट को ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कवर नहीं करता, ये भी दो ही एस्पेक्ट को कवर करता है, रीडिंग और राइटिंग को, और दो को, लिसनिंग और स्पीकिंग को डायरेक्ट मेथड कवर करता है। चारों जो है इसको एस्पेक्ट को जो है कवर नहीं करता है डायरेक्ट मेथड, और ना ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कवर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इस मामले में दोनों ही मेथड के डीमेरिट्स हैं। कि अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो रीडिंग राइटिंग के एस्पेक्ट को कवर नहीं करता, तो ये इसका डीमेरिट है। और जो डायरेक्ट मेथड है वो लिसनिंग और स्पीकिंग के अलावा जो है रीडिंग राइटिंग की बात नहीं करता, ये इसका डीमेरिट है। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो लिसनिंग स्पीकिंग की बात नहीं करता, ये इसका डीमेरिट है। तो इन एस्पेक्ट लैंग्वेज के, ये जो LSRW चार एस्पेक्ट हैं, इनमें दोनों मेथड में कमियां होती हैं। और उसके बाद हम आगे बात करें कि ये मेथड जो है ना टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये इसका दूसरा लॉस है। इसका ये मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसको टाइम कंज्यूमिंग मेथड कहा जाता है।
टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इस मेथड को टाइम कंज्यूमिंग मेथड कहा जाता है। ये भी इसका एक लॉस है, इस मेथड में जो है समय ज़्यादा लगता है और टीचर जो होता है उसको कॉस्टली जो टीचिंग मटेरियल है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये जो सामान्य स्कूल होते हैं उनमें ज़्यादा जो है ये तकनीक नहीं होती है इन स्कूलों के पास, उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती हैं उनकी वजह से इन स्कूलों के पास जो एक डायरेक्ट मेथड में चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं होती हैं। इसलिए ये मेथड जो है कॉस्टली भी माना जाता है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, दूसरा इसको हम कॉस्टली मेथड भी कहते हैं। ये मेथड जो है वो कॉस्टली मेथड है और जो सामान्य स्कूल होते हैं, छोटे स्कूल होते हैं जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो इस मेथड को जो है वो उस को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस मेथड में कुछ महंगे जो मटेरियल्स होते हैं ऑडियो विजुअल टेक्निक्स के लिए जैसे प्रोजेक्टर वगैरह, तो ये चीज़ें जो छोटे स्कूल हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है वो नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए ये भी इस मेथड की एक कमी होती है, ठीक है। और आगे अगर हम इस मेथड की और किसी कमी की बात करें तो ओवर क्राउडेड जो क्लासें होती है ना वो इस मेथड में काम की नहीं है। कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो तो ओवर क्राउडेड क्लासेस में भी यूजफुल होती हैं, बट ये जो डायरेक्ट मेथड जो है इससे ओवर क्राउडेड क्लासों में इफेक्टिवली नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओवर क्राउडेड क्लासेस कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूज बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जो ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं ना उसमें इस मेथड को इफेक्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है ना हर स्टूडेंट पर देने की वो जो है यहाँ पर प्रॉपरली नहीं दी जाती है। इसलिए ये मेथड जो है इस मेथड की ये भी कमी है। तो हम इसकी पूरी लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्यों ओवर क्राउडेड क्लासेस में क्यों इफेक्टिव नहीं है? दिस मेथड इज नॉट यूजफुल या नॉट इफेक्टिव इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्यों? क्योंकि जो इस मेथड में अगर हम ओवर क्राउडेड क्लासेस में पढ़ाएंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट पर जो है वो पर्सनल या इंडिविजुअल अटेंशन टीचर नहीं दे पाएगा। इसलिए दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस। और आगे लिखेंगे क्यों का इसका अर्थ देना है, उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे कि बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इस मेथड को हम ओवर क्राउडेड क्लासेस के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, इफेक्टिव नहीं है ये कह सकते हैं। और दूसरी एक कमी और भी है इस मेथड की, जो इस मेथड में एक्सपर्ट होने चाहिए ना टीचर वो जो है इंडिया में उपलब्ध नहीं है। जो फुल्ली डायरेक्ट मेथड में पढ़ा सकें, फुल्ली डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए पढ़ाएं, तो ऐसे टीचरों की कमी भी जो है ऐसे टीचर्स की कमी भी इंडिया में है। इसलिए हम इस मेथड की ये भी कमी मानेंगे, क्योंकि एकदम
फुल रूप से एक्सपर्ट जो टीचर हैं जो कि डायरेक्ट मेथड को अच्छी तरह जानते हैं, तो ऐसे टीचर्स की कमी इंडिया में है। इसलिए हम इस मेथड की ये भी कमी मानेंगे कि इस मेथड को पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, इस मेथड को जानने वाले टीचरों की कमी है, जो कि इस मेथड की ही कमी मानी जाएगी। तो हम इसलिए इस लाइन को अगर पूरी तरह से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन इंडिया, यहां लिख लेते हैं ऊपर, इन इंडिया वी डू नॉट हैव enough competent teachers teachers who can teach English through direct method who can teach through this method, ठीक है। In India we do not have enough competent teachers who can teach through this method। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं हम लोग कि इस method को जानने वाले जो पारंगत teacher हैं, expert teacher जो हैं, वो India में नहीं हैं। इसलिए ये भी इस method की जो है वो कमी है। और इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये मेथड जो है ना, रीडिंग और राइटिंग के एस्पेक्ट को, इसको एक तो रीडिंग को और राइटिंग के एस्पेक्ट को जो क्या है, नेगलेक्ट करता है, इन दोनों एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। इसलिए ये भी इस मेथड की कमी है। तो हम इसको इधर लिखते हैं कि रीडिंग और राइटिंग जो है ना, ये टू एस्पेक्ट जो है इस मेथड में क्या किए जाते हैं दोस्तों, इस मेथड में इन दो एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है, इग्नोर। इसलिए ये भी इस मेथड की जो है डायरेक्ट मेथड की कमी मानी जाती है। और इसमें ग्रामर को जो है ना, वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये इसका जो है अगला डीमेरिट है या कमी है। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली। In this method, इस method में grammar को भी systematically नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये भी दोस्तों इस method का demerits ही माना जाता है। और इस method में ज्यादा stress किस पर दिया जाता है, ओरल ओरल अप्रोच पर जोर दिया जाता है। ये ओरल ओरल अप्रोच क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अपने यहाँ पर लिखते हैं कि इन दिस मेथड स्ट्रेस ऑन ओरल अपील। इस मेथड में ओरल ओरल अपील पर जोर दिया जाता है दोस्तों। इस AURAL का अर्थ होता है कान से संबंधित, कर्ण से संबंधित, और इस ओरल का अर्थ होता है मुख से संबंधित। यानी कि इसका अर्थ तो होता है सुनने से संबंधित और इसका अर्थ होता है बोलने से संबंधित।
यानी कि ये मेथड जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक, ओरल ओरल पर जोर देता है। ओरल ओरल का मतलब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है। लिसनिंग का मतलब ये ओरल, AURAL, और स्पीकिंग का मतलब ये ओरल पर भी जोर देता है। तो ये जो है ना, ओरल ओरल पर जोर देता है, तो ओरल ओरल का मतलब होता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है ये मेथड। तो सिर्फ इन दो एस्पेक्ट की बात करता है, रीडिंग राइटिंग की बात नहीं करता है, इसलिए ये इस मेथड की जो है वो कमी में आते हैं। एक जो डॉक्टर ब्रेटन थे, उनका कथन है कि सिर्फ जो क्लेवर चाइल्ड होता है ना, वो इस मेथड का प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पर जो है इनका हम कथन थोड़ा स्पेशली लिखेंगे कि किसका कथन है ये, डॉक्टर ब्रेटन का। डॉक्टर ब्रेटन ने इस मेथड के संबंध में क्या कहा है, इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख रहे हैं कि ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट प्रॉफिट बाय दिस मेथड। सिर्फ जो क्लेवर चाइल्ड होता है ना, वो इस मेथड का फायदा ले सकता है। तो ये कहा था किसने, ये डॉक्टर ब्रेटन ने कहा था। तो ये इस मेथड के संबंध में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस मेथड के जो है डीमेरिट्स की बात हुई है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा था डीमेरिट्स, यानी कि इस मेथड के जो दोष हैं, हिंदी में हम कहेंगे दोष, इस मेथड के जो दोष हैं उनकी हमने यहाँ पर बात की है। एक एक करके इनको सबको वापस रिवाइज करते हैं कि एक तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इन इंडिया वी डू नॉट हैव इनफ कॉम्पिटेंट टीचर्स हु कैन टीच थ्रू दिस मेथड, कि इंडिया में ऐसे दक्ष टीचर नहीं हैं जो इस मेथड के द्वारा टीच करते हैं। हालांकि अब समय बदला है, अब बहुत सारे विद्वान शिक्षक आ चुके हैं, वो इस मेथड को जानते हैं और जो है इस मेथड के ऊपर जो है एक्सपर्ट हुए हैं, वो इस मेथड का अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा टीचर, ज्यादा संख्या की बात करेंगे तो ज्यादा संख्या नहीं है जो कि डायरेक्ट मेथड को जानने वाले शिक्षक हैं। और दूसरी बात कि ये मेथड जो है ना, सिर्फ किसकी बात करता है, लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करता है। ये रीडिंग की भी बात नहीं करता है, ये राइटिंग की भी बात नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये ओरल ओरल अप्रोच की बात करता है। ओरल का अर्थ होता है सुनने से संबंधित, और स्पीकिंग इस ओरल का अर्थ होता है बोलने से संबंधित। और ये मेथड जो है ना, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, समय ज़्यादा लगता है, कॉस्टली मेथड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टीचिंग मटेरियल एड्स की जरूरत पड़ती है, प्रोजेक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो ये मेथड जोड़ा कॉस्टली है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जिन स्कूलों की अच्छी नहीं है वो इस मेथड को नहीं अपना पाते हैं। और आगे कहते हैं हम कि दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस। ओवर क्राउडेड जो क्लासेस होते हैं वहां पर ये मेथड उपयोगी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्योंकि इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो अटेंशन देनी चाहिए बच्चे पर, वो इस मेथड के द्वारा नहीं हो पाती है। सिर्फ यहाँ पर भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो मेथड है ना, ये किसकी बात करता है, ये मेथड सिर्फ रीडिंग और राइटिंग, सॉरी रीडिंग एंड राइटिंग को इग्नोर करता है, केवल लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करता है। और दूसरा, इस मेथड में ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, जो ग्रामर है उसको भी सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ाया जाता है इस मेथड में। ये मेथड सिर्फ ओरल ओरल अपील पर जोर देता है। इस ओरल का अर्थ होता है सुनने से संबंधित, इसका है बोलने से संबंधित। लास्ट में आपको डॉक्टर ब्रेटन का कथन याद करना है कि ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाय दिस मेथड, कि सिर्फ जो चतुर बालक होते हैं वो इस मेथड के द्वारा जो है वो आसानी से फायदा ले सकते हैं।
फिर इस मेथड के बारे में जो मेरिट्स की बात करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना मेथड नेचुरल मेथड कहलाता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में होती है, फ्लुएंसी बेस्ड मेथड है, और ये इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ी रुचि लाने वाला मेथड है, इंग्लिश में कमांड करने वाला मेथड है। ये बातें भी इस मेथड के बारे में कही जाती हैं जो कि मेरिट्स के अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने इस मेथड के मेरिट्स की बात की थी और इस क्लास में हमने इस मेथड के डीमेरिट्स की बात की है। तो लगातार क्लासों का आनंद लेते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।